शिवा जोहर दोस्तों, मैं योगेंद्र नेताम एक और नए वीडियो के साथ। आज हम हैं कांकेर के बस स्टैंड में और यहां से हम लोग जाने वाले हैं गरिया पहाड़। ये पहाड़ी आपको पीछे नज़र आ रही होगी, मेरे पीछे जस्ट है। ये अपना दोस्त है शर्मा जी, प्रशांत शर्मा, तो हमको ले चलेंगे गरिया पहाड़। चलो चलिए चलते हैं। जाना मना है यहाँ पे, और बाइक से तो हम लोग कई बार आए हैं। कैसे प्रशांत? कई बार कार में फर्स्ट टाइम ला रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। और अभी अभी स्टार्ट किया हूँ मैं यूट्यूब चैनल, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। आगे देखेंगे आप नए नए नज़ारे मेरे साथ। यहाँ पे एक छोटा तालाब भी है ना नीचे में भी? हाँ नीचे में है, ऊपर से दिखता है। हाँ ऊपर में तो है ही। ये वेलकम गेट, लगता है छोटा नाका यहीं पे है, एंट्री कराना पड़ेगा। चेक पोस्ट था, चेक किए फिर आगे बढ़ रहे हैं। स्कूली बच्चे लोग भी घूमने जा रहे हैं, से हाय हाय कर रहे हैं सब, बढ़िया, थैंक यू। हाँ तो गरिया पहाड़ के बारे में ये बताने जा रहा था कि यहाँ पे ऊपर में तालाब है, पहाड़ के ऊपर में एक्चुअली में वो दो तालाब है और तालाब का नाम है सोनई रुपई, लेकिन वो दिखता एक है। और ये राजा महाराजा के ज़माने में तालाब खुदवाया गया था, यहाँ के राजा थे कंडरा राजा। शर्मा जी ऑफिस से मेरे लिए टाइम निकाल के आ जाए हैं, और लंच ब्रेक था तो मैं बोला कि लंच कर ले भाई और थोड़ा सा ऑफिस से एक घंटे का ब्रेक ले ले, तो बोला चल जाएगा यार बोल के। हल्की हल्की बारिश हो रही है तो नज़ारा थोड़ा धुंधला फॉगी लग सकता है आप लोगों को, और हम लोग को तो एकदम मस्त लग रहा है नीचे का नज़ारा, एकदम झकास वाला। और आगे ऊपर जाने का रास्ता, आज सावन का पहला सोमवार है तो ऊपर में शिव मंदिर है, इसलिए बहुत लोग मंदिर गए थे। पर वैसे बहुत आते जाते रहते हैं यहाँ पे। आपसे भी चलेंगे ना। लोग पहाड़ के ऊपर में आ चुके हैं और इसका लगभग अब ये समतली एरिया है, और पहाड़ एकदम समतल तो हो नहीं सकता, ऊपर नीचे तो रहेगा ही। तो वही है, हरियाली एकदम चकास।
देखो ना पत्थर ऐसा लग रहा है गिर जाएगा। व्यू कर व्यू कर व्यू कर, है ना झूलता पहाड़ था ये छोटा सा। यहाँ पर मोड़ में अचानक छोटी बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाती है, तो थोड़ा ध्यान से ड्राइव करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा क्या है दिखाएंगे। चंद्रा राजा धर्मदेव ने गढ़िया पहाड़ को एक अभेद्य किले के रूप में परिवर्तित किया था, जिसके भग्नावशेष आज भी विद्यमान है। बाकी जानकारी बाद में देंगे। ये बारिश होती रहेगी तो हम शायद ही आपको तालाब दिखा पाएंगे, क्योंकि आगे हमको पैदल जाना पड़ेगा। और हम लोग ना छाता लाए हैं ना रेनकोट, कार में है करके। एक खजाना पत्थर लिखा है, क्या चीज है? इसके अंदर खजाना छुपा था। जूम करना जूम, मतलब उधर दिखाना। और आगे हम गाड़ी में ही दिखाते हैं आपको पुराने रास्ते, जो सीढ़ी बना हुआ है। इधर से लोग बाग पैदल चल के आते थे, सीढ़ी से इधर। अभी भी सीढ़ी विद्यमान है, लेकिन रोड वाला रास्ता बन गया है, तो सभी लोग बाइक से या फिर पैदल भी इधर से ट्रैक करते हुए आ जाते हैं, सीढ़ी का यूज नहीं करते हैं। और रिवर्स में चल रही है गाड़ी। रुकते हैं, थोड़ा वेट करते हैं बारिश का थमने के इंतज़ार। और कई लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। इधर से पगडंडी रास्ता कुछ ही दूर में है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए गढ़िया पहाड़ के ऊपर। यहाँ पे तालाब है और मंदिर हैं, छोटी छोटी मंदिरें, कुटिया। वहाँ पर भी भोलेनाथ, ये भोलेनाथ का मंदिर है। हाँ सभी जगह है। और पुराने समय के आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, पुराने समय के पत्थर की बनी मूर्तियाँ अवशेष के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन मंदिरों को, ये शिव मंदिर कंडरा राजा धर्मदेव ने ही बनाया था। और जिस तालाब की हम बात कर रहे थे, तो ये रहा सुनई रुपई तालाब। ये तालाब एक्चुअली में दो तालाब है, दिखता एक है, लेकिन लोगों की माने तो ये दो तालाब है, क्योंकि इसका कलर भी दो कलर में चेंज होता है बोल रहे थे। और यहाँ पे कुछ और बातें हैं, सामने जो दिखाई दे रहा है यहाँ से गुफा है, आगे दिखाएंगे आपको बताएंगे भी। अरे छोटा सा तालाब है नहीं, पहाड़ के ऊपर में तालाब अचरज वाली बात है भाई, कि पानी रुकता कैसे है। जय भोलेनाथ।
जय माता दी। आगे गुफा जाने का रास्ता है और कहते हैं कि एक गुफा नीचे गढ़ पिछाड़ी है वहाँ निकालता है और गुफा का दूसरा रास्ता आप देख रहे हैं गुफा जाने का रास्ता आगे किलोमीटर है सर नहीं पता भी कभी जाना हुआ नहीं दिखा बस है उधर और है तो आगे इधर उतरने के बाद और रास्ता है ऐसे देख रहे हैं नहीं है कुछ जानकार हो तब जाना ठीक है ठीक है। अब हम लोग वापस चलते हैं क्योंकि हम लोग हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको गुफा में ले चले।